शाइस्ता शुकात से नाराज है कि उसने सबीन के जरिए बताया गया सजिश का जिक्र नहीं किया। शौकत ने सबीन का नया एड्रेस न मालूम होने का कहा, जो शाइस्ता को और ज्यादा गुस्सा दिलाता है। शाइस्ता शुकात पर इल्जाम लगाती है कि वो हमेशा सबीन से छुप कर मिलता है। शौकत अपना दिफा करता है कि उनकी मुलाकातें बस इत्तेफाकन होती हैं। रुबाब फरूख को बताती है कि सिकंदर उसे तलाक देने वाला है। सिकंदर रुबाब से कहता है कि वो खंदन के सामने तलाक मांगे। रुबाब इस बात से परेशान है कि इसका असर उसके वलीद पर क्या होगा। फारूक रुबाब को मशवरा देता है कि सिकंदर यह सब इसलिए कर रहा है ताकि रुबाब को बुरा दिखाए। रुबाब फैसला करती है कि वो सिकंदर से बात करेगी ताकि खानदानी मुलाकात से बच सके। फारूक रुबाब की बहन शहला को साहिल के साथ पकड़ता है और पुरतैश होता है। शहला साहिल का दिफा करने की कोशिश करती है मगर फारूक उनके अलग होने पर मुसिर रहता है। फरूक इसरार करता है कि शहला के अमाल ने खंदन का इज्जत खराब किया है। फरूक शहला को उसके कमरे में बंद कर देता है ताकि वो साहिल से ना मिल सके। शहला अपनी माँ से दरख्वास्त करती है कि दरवाजा खोले, कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। शाइस्ता गुस्से में अपने कमरे में बंद हो जाती है। राहिल और उसकी माँ फरीहा खंदन में बढ़ती हुई टेंशन से परेशान है। राहिल शाइस्ता और शौकत के दरमियान सुलह कराने की कोशिश करता है। शाइस्ता शौकत पर इल्जाम लगाती है कि वो सबीन से शादी करने की प्लान बना रहा है। शौकत जवाब देता है कि अगर सबीन मान जाती तो वो जरूर शादी कर लेता। सबीन शाइस्ता के इल्जाम से परेशान है और अपना नाम साफ करने की कोशिश करती है। शौकत सबीन से कहता है कि उनकी मुलाकात बस इत्तेफाक थी और कुछ नहीं। राहिल टेंशन से परेशान है और अपनी माँ शाइस्ता का साथ देता है। राहिल की फ्रस्ट्रेशन उसके अलीना के साथ तलुक पर असर डालती है। फरीहा सबीन से शाइस्ता के इल्जामात पर बात करती है। सबीन इनकार करती है कि उसका शौकत से कोई तलुक है सिवाय इत्तेफाकन मुलाकात के। सबीन अपना नाम साफ करने और अलीना की शादी को बचाने का इरादा रखती है। फरूख रुबाब को मशवरा देता है कि हालत को ठंडक और हिकमत से हैंडल करे। रुबाब फैसला करती है कि वो सिकंदर से खुद मिलकर बात करेगी। शहला के वलीद इससे नहायत मायूस हैं और उससे घर में कैद कर देते हैं। शहला के वालिद साहिल से इसरार करते हैं कि वो अपनी काबिलियत साबित करे पहले। साहिल एक नौकरी के इंटरव्यू में शामिल होता है ताकि मुस्तकबिल में मुस्तहकम हो सके।